हेलो एवरीवन, वेलकम इन एग्री विद स्पार्क। सो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, जिसमें आपके जो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्रीकल्चर के, उनको डिस्कस करेंगे। ओके, सो अगर आप चैनल पर न्यू हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो सो दैट आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिले। एंड साथ ही साथ क्या करना है, हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स पर अगर आप कनेक्ट नहीं हुए हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम है, यूट्यूब है, ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप डायरेक्ट क्लिक कर क्या हो सकते हैं, वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को विद अवर फर्स्ट क्वेश्चन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, दैट हु फर्स्ट बायोसेफ फॉर द एजेंट कॉजिंग पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। ठीक है, सबसे पहले जो वायरॉइड की वजह से डिजीज देखी गई थी, ठीक है, जो वायरॉइड की वजह से सबसे पहले जो डिजीज देखी गई थी वो कौन सी थी आपकी, दैट इज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर, ठीक है, डिजीज ये थी। ठीक है, वहीं हम देखेंगे, वो बोल रहा है कि सबसे पहले जो बायोसे है इसके लिए, बायोसे फॉर एजेंट कॉजिंग, यानी किसने, किसकी वजह से जो आपका पोटैटो ट्यूबर, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज है ये हुई है, इसको सबसे पहले किसने बताया था। सो वो थे आपके रैमर एंड ओब्रेन। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन है उसमें ऑप्शन नंबर ए। इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले इसको बताया था कि इनकी वजह से क्या हुआ है, जो वायरॉइड है उसकी वजह से क्या देखने को मिली है आपको, जो डिजीज है वो देखने को मिली है। ठीक है, वहीं हम देखेंगे जो पोटैटो के लिए, ठीक है, पोटैटो के लिए जो ट्यूबराइजेशन के लिए, पोटैटो ट्यूबराइजेशन के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो किस रेंज में चाहिए होता है। सो वो आपका रहता है 18 से 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, पोटैटो ट्यूबराइजेशन के लिए 18 से 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। वहीं रिजेज एंड फरो, ठीक है, रिजेज एंड फरो जो है, ठीक है, उसको सबसे पहले अडॉप्ट किया गया था किसमें, रिजेज एंड फरो अडॉप्टेड इन दी पोटैटो। ठीक है, किसमें अडॉप्ट किया गया था, पोटैटो में अडॉप्ट किया गया था। वहीं हम देखेंगे ट्रांसजेनिक पोटैटो, ट्रांसजेनिक पोटैटो की जो सबसे पहली वैरायटी थी वो कौन सी थी आपकी, दैट इज थी और न्यू लीफ। कौन सी वैरायटी थी, न्यू लीफ वैरायटी थी। ओके, एंड पोटैटो कैसा है आपका, ऑटो पॉलीप्लॉइडी है। ठीक है, ऑटो पॉलीप्लॉइडी रहता है, ठीक है, जिसमें उसके जो मतलब बहुत सारे नंबर के क्रोमोसोम नंबर होते हैं, ठीक है ना। सो वहीं हम देखेंगे सबसे पहले जो बायोसे किया था पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज का, वो किसने किया था, रेमर एंड ओब्रेन ने किया था। नेक्स्ट हम देखें हु कॉइन द टर्म वायरॉइड, वायरॉइड टर्म जो है वो सबसे पहले किसने कॉइन करी थी। सो वो आपके थे, दैट इज दी डिनर। ठीक है, डिनर ने क्या करा था, सबसे पहले जो आपकी वायरॉइड टर्म है इसको कॉइन किया था। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ राइजोजाइम कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, राइजोजाइम, ठीक है, राइबोजाइम जो कैरेक्टरिस्टिक है वो सबसे पहले किस में देखे गए थे, दैट इज़ योर वायरॉइड। ठीक है, वायरॉइड में ही सबसे पहले क्या थे, राइजोजाइम कैरेक्टरिस्टिक को देखा गया था। वायरॉइड को सबसे पहले जो डिस्कवर किया गया था वो डिनर ने किया था। सबसे पहले डिजीज जो वायरॉइड की वजह से हुई थी वो है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं द वायरॉइड हुज जीनोम वॉज फर्स्ट सीक्वेंस्ड, यानी कौन से वायरॉइड का जीनोम सबसे पहले सीक्वेंस किया गया था, तो वो था आपका पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरॉइड। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर जो वायरॉइड है वॉज फर्स्ट सीक्वेंस्ड, सबसे पहले सीक्वेंस हुआ था वो इसका हुआ था, कौन से ईयर में किया गया था, तो 1978 में जो है इसको किया गया था। करेक्ट ऑप्शन है इसमें ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम देखते हैं वायरॉइड वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन, ठीक है, वायरॉइड को सबसे पहले जो डिस्कवर्ड किया गया था, डेनर ने देखा था सबसे पहले ना, डिस्कवर्ड किया था, कौन से ईयर में किया था, तो वो है 1971 के अंदर। ठीक है, वायरॉइड को सबसे पहले जो डिस्कवर्ड किया गया था वो 1971 में किया गया था। करेक्ट ऑप्शन है इसमें ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम देखते हैं वायरॉइड इज ट्रांसमिटेड बाय, अब वायरॉइड किसके थ्रू ट्रांसमिट हो सकता है, इंसेक्ट के थ्रू, पोलन्स के थ्रू, इंसेक्ट पोलन के थ्रू, ठीक है, या इंसेक्ट पोलन सीड के थ्रू। तो वायरॉइड जो है वो इंसेक्ट के थ्रू भी ट्रांसमिट हो सकता है, पोलन के थ्रू भी हो सकता है, एंड आपके सीड के थ्रू भी हो सकता है। सो करेक्ट ऑप्शन है इसमें ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, वहीं हम देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पॉन्जी टिश्यू रेजिस्टेंट वेराइटी, कौन सी ऐसी मैंगो की वेराइटी है जो कैसी है, स्पॉन्जी टिश्यू से रेजिस्टेंट है। सबको सबसे पता होगा कि स्पॉन्जी टिश्यू सबसे ज़्यादा किसमें होता है, तो वो है आपका अल्फांजो। ठीक है, अल्फांजो के अंदर स्पॉन्जी टिश्यू की प्रॉब्लम रहती है। वो पूछ रहा है कौन सी जो वेराइटी है वो रेजिस्टेंट है, यानी उसके अंदर क्या होता है, स्पॉन्जी टिश्यू नहीं लगता है, तो वो आपका है रत्ना। कौन सी डिजीज़ है, रत्ना। ठीक है, रत्ना जो है वो किसके क्रॉस से बनी है, तो वो है आपके नीलम एंड अल्फांजो। ठीक है, नीलम और अल्फांजो का क्रॉस से क्या बनाई गई है, रत्ना बनाई गई है। वहीं हम देखेंगे जेली सीड, जेली सीड जो डिसऑर्डर देखा जाता है ये किसमें देखा जाता है, मैंगो के अंदर ऑब्जर्व करते हैं इसको। वहीं अगर हम देखेंगे मैंगो मालफॉर्मेशन के लिए ससेप्टेबल डिजीज, मैंगो
माल फॉर्मेशन के लिए जो ससेप्टेबल डिजीज होती है, ससेप्टेबल वेराइटी जो है, ठीक है, मैंगो माल फॉर्मेशन के लिए ससेप्टेबल वेराइटी कौन सी रहती है, वो है लंगरा। ठीक है, जो लंगरा वेराइटी है वो मैंगो माल फॉर्मेशन के लिए क्या रहती है, ससेप्टेबल रहती है। ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा क्या जाता है, मैंगो माल फॉर्मेशन। नाउ द पीएच फॉर द गुड क्वालिटी साइलेज, ठीक है, साइलेज की जो गुड क्वालिटी का साइलेज होता है उसका जो पीएच की रेंज होगी वो कितनी रहती है, 3.5 से 4.2। ठीक है, अ गुड क्वालिटी साइलेज हैविंग अ पीएच ऑफ 3.5 से 4.2 की रेंज में रहता है। वही हम देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्ट वुड। अब इसमें से देखेंगे सॉफ्ट वुड का एग्जाम्पल है साल, टीक, दियोदर या ओट। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन नंबर सी है, जो दियोदर है, इसका जो वुड होती है वो कैसी होती है, सॉफ्ट वुड के अंदर आती है। ना फ्रूट विच इज हैविंग एन लॉन्ग स्टोरेज लाइफ, यानी जिसको हम स्टोर करने की जो उसकी स्टोरेज लाइफ होती है वो सबसे ज़्यादा रहती है, गुआवा, स्ट्रॉबेरी, एप्पल, पियर। तो सबसे ज़्यादा जो स्टोरेज लाइफ होगी वो किसकी होती है, एप्पल की रहती है। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वहीं हम देखेंगे एप्पल के अंदर ड्वार्फिंग एंड आपके सेमी ड्वार्फिंग रूट स्टॉक देखने को मिलते हैं। ठीक है, सो वो आपके कौन कौन से होते हैं, M9 हो गया, ठीक है, आपका M4 हो गया, ठीक है, M26 हो गया एंड आपका M104 हो गया। ठीक है, ये सारे क्या हैं, ड्वार्फिंग रूट स्टॉक हैं आपके, MM106। ठीक है, ये आपका क्या रहते हैं, ड्वार्फिंग एंड आपके सेमी ड्वार्फिंग रूट स्टॉक रहते हैं। वहीं आपसे अल्ट्रा ड्वार्फिंग रूट स्टॉक पूछ लेंगे तो वो कौन सा रहता है, M27 रहता है। ठीक है, वहीं सुपर हाई डेंसिटी, ठीक है, कौन सी, सुपर हाई डेंसिटी प्लांटिंग, ये सबसे पहले कहाँ, किस में अडॉप्ट की गई थी, सुपर हाई डेंसिटी प्लांटिंग, तो ये भी एप्पल में ही अडॉप्ट की गई थी। कौन सी है, सुपर हाई डेंसिटी प्लांटिंग। वहीं हम देखेंगे HDP, हाई डेंसिटी प्लांटिंग, तो ये भी एप्पल में अडॉप्ट की गई थी सबसे पहले। ठीक है, और जो सुपर हाई डेंसिटी प्लांटिंग है इसके लिए जो डिस्टेंस मतलब रखी जाती है, मतलब कितने प्लांट्स आपस में आ सकते हैं, ठीक है, तो वो आपके हैं 20,000 प्लांट्स। ठीक है, सुपर हाई डेंसिटी प्लांटिंग में 20,000 प्लांट्स रख सकते हैं आपके। ठीक है, और हाई डेंसिटी प्लांटिंग भी सबसे पहले एप्पल में देखी गई थी। सबसे ज़्यादा जो स्टोरेज लाइफ होती है वो कौन सी, किसकी रहती है, एप्पल की। वहीं है दैट इज सिल्वाइट, ठीक है, ये इसकी स्पेलिंग है, दैट इज सिल्वाइट इज अ विच सोर्स ऑफ मिनरल, सिल्वाइट जो है ये कौन से मिनरल का सोर्स रहता है, तो वो है आपके पोटेशियम। किसका सोर्स है, पोटेशियम का सोर्स है। अब पोटेशियम आपने देखा होगा जब आप हैवी एप्लीकेशन कर देते हो, ठीक है, पोटेशियम की अगर आप हैवी एप्लीकेशन कर दोगे सॉइल के अंदर, तो उससे क्या होता है, जिंक एंड कॉपर का जो एब्जॉर्प्शन होगा वो रिड्यूस हो जाता है सॉइल में। ठीक है, हैवी एप्लीकेशन ऑफ पोटेशियम लीड्स टू द रिड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ द कॉपर एंड योर जिंक। ठीक है, वहीं आपका पोटेशियम क्या करता है, एज एन एक्टिवेटर, एक्टिवेटर की तरह काम करता है, इट इज एन एक्ट एज एन एक्टिवेटर ऑफ 60 एंजाइम। ठीक है, 60 एंजाइम्स का एक्टिवेटर की तरह भी क्या करता है, ये वर्क करता है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे महाराष्ट्र इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स। अब महाराष्ट्र जो है कौन से एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स में रहता है, तो ईस्टर्न प्लेट्यू हिल्स एंड वेस्टर्न प्लेट्यू हिल्स के अंदर क्या रहता है, महाराष्ट्र जो है वो आपका रहता है। नेक्स्ट हम देखते हैं द क्रॉप डेवलपमेंट प्रोग्राम्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कवर्स विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ कमर्शियल क्रॉप। ठीक है, अब जो क्रॉप डेवलपमेंट प्रोग्राम के अकॉर्डिंग हम देखेंगे जो गवर्नमेंट ने कौन से कमर्शियल क्रॉप्स को इसमें कवर किया है, तो वो है आपके टी, जूट एंड कॉफ़ी। कौन से हैं, टी, जूट एंड कॉफ़ी। ठीक है, उन्होंने क्या किया है, इसको क्या किया है, वो कवर किया है। करेक्ट इसमें ऑप्शन है, वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हेल्प्स इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन। कौन सा एलिमेंट हेल्प करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए इन सब में से, तो वो है आपका कौन सा है। अच्छा, इसमें एक चीज़ याद रखना, जैसे इसमें टी है तो आपको पता होगा सबसे पहले जो दार्जिलिंग की टी थी उसको GI टैग मिला था। कौन सी टी थी, दैट इज़ दी टी ऑफ दार्जिलिंग, यानी दार्जिलिंग की जो टी थी उसको कब मिला था, GI टैग दिया था, किस ईयर में, 2004 में। और जो टी के अंदर जो बिटर टेस्ट आता है वो किसकी वजह से आता है, टैनिन की वजह से आता है। ठीक है, वहीं हम देखेंगे जो वाइट जूट होता है, वाइट जूट जिसका नाम क्या होता है, दैट इज कोरकोरस कैप्सुलरिस। ठीक है, कोरकोरस कैप्सुलरिस इज द नेम ऑफ द वाइट जूट। वहीं हम देखेंगे इसका जो ओरिजिन है वो इंडो बर्मा रीजन है। ठीक है, कहाँ से है, इंडो बर्मा रीजन से इसकी ओरिजिनेट हुआ है। और जूट को जो हम हार्वेस्ट करते हैं वो स्मॉल पॉड स्टेज पे क्या करते हैं, इसको हार्वेस्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, ठीक है, कौन सा एलिमेंट हेल्प करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए, तो वो है आपका आयरन। कौन सा आपका एलिमेंट है जो हेल्प करेगा, वो होता है आपका आयरन जो है वो हेल्प करता है। सबसे ज़्यादा जो आयरन कंटेंट देखने को मिलता है वो फेरस ऑक्साइड में देखने को मिलता है। ठीक है, वहीं हम देखेंगे
नेक्स्ट क्वेश्चन, तो कैम साइकिल इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप. अब जो कैम साइकिल है वो किसमें प्रेजेंट होती है, तो वो है पाइनएप्पल. ठीक है, पाइनएप्पल क्या है, एक कैम प्लांट है. वहीं हम देखेंगे पाइनएप्पल के साथ साथ कैक्टस, ठीक है, पोपेंशिया, ये सारे कैसे हैं आपके अगेव कैम प्लांट्स के अंदर आपका आते हैं. वहीं हम देखेंगे जो फोटोसिंथेसिस फोटो रेस्पिरेशन है, फोटो रेस्पिरेशन सबसे ज़्यादा हाईएस्ट किसमें होगा, C3 में. फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा किसमें होता है, C4 में. वहीं जो वाटर यूज एफिशिएंसी है वो किसकी सबसे ज़्यादा होती है, तो वो है कैम प्लांट्स की. ठीक है, फोटो रेस्पिरेशन होगा C3 प्लांट्स का, फोटोसिंथेसिस होता है C4 प्लांट का, वाटर यूज एफिशिएंसी हाईएस्ट होती है कैम प्लांट्स की. ओके, सो ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना. बेस्ट प्लांटिंग मटेरियल ऑफ बनाना, बनाना को प्लांटिंग मटेरियल का जो बेस्ट है किससे प्लांट करते हैं, सबको पता है, दैट इज दी सकर्स से हम क्या करते हैं, बनाना को प्लांटिंग करते हैं. ठीक है, और जो सबसे पहले जो आपका टिश्यू कल्चर का यूज किया गया था वो भी बनाना में किया गया था. नाउ मैंगो के इनफ्लोरेसेंस को क्या कहते हैं, सो वो है आपका दैट इज पैनिकल. राइस के इनफ्लोरेसेंस को क्या कहते हैं, पैनिकल कहते हैं. वहीं ड्रम स्टिक के इनफ्लोरेसेंस को भी क्या कहते हैं, पैनिकल कहते हैं. ओके, रिमेंबर दिस, याद रखना. नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, सेंट्रल मेराइन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन, कहाँ पे एस्टैब्लिश्ड हुआ था मेराइन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो कोची. कहाँ किया गया था, कोची में किया गया था, ईयर याद रखना, दैट इज 1947. सेंट्रल मेराइन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट वॉज एस्टैब्लिश इन कोची इन 1947. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट गिविंग कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स एग्रीकल्चर एक्सटेंशन. ठीक है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के टूवर्ड्स जो है सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन किसने दिया है, सो वो है आपका दैट इज मैनेज. किसने दिया है, मैनेज ने दिया है. ओके, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, इन्फिलेटरी प्रोसेस इन विच प्राइजेज आर परमिटेड टू राइज विदाउट एनी कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट. ठीक है, यानी इन्फिलेटरी कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो प्राइजेज हैं वो आपके विचार परमिटेड टू राइज विदाउट एनी कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, यानी वो कभी भी आपके प्राइजेज जो है वो बढ़ सकते हैं गवर्नमेंट के बिना किसी कंट्रोल के. ठीक है, यानी गवर्नमेंट उन प्राइजेस को कंट्रोल नहीं कर पाती है. ठीक है, गवर्नमेंट नहीं कंट्रोल कर रही है कि आप, गवर्नमेंट नहीं चाह रही कि उसकी प्राइजेस को बढ़ाए, इस मतलब इस प्राइजेस को जो है इंक्रीज कर रही है या कम कर रही है, गवर्नमेंट के ऊपर जो गवर्नमेंट है उसका इस पर कोई कंट्रोल नहीं है, तो वो आपका क्या रहता है, ओपन इन्फ्लेशन रहता है. ठीक है, कौन सा इन्फ्लेशन होगा, ओपन इन्फ्लेशन होता है. वहीं आप देखोगे तो इन्फ्लेशन एस्टिमेटेड बाय, इन्फ्लेशन को एस्टिमेट किसके थ्रू करते हैं, दैट इज दी होलसेल प्राइस. ठीक है, इन्फ्लेशन इज एस्टिमेटेड बाय होलसेल प्राइजेस. ओके, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल इकोसिस्टम, जो सबसे ज्यादा सुटेबल इकोसिस्टम माना गया है, तो वो है आपका मेराइन. ठीक है, मेराइन इकोसिस्टम जो है वो मोस्ट सुटेबल इकोसिस्टम के अंडर में आता है. नेक्स्ट हम देखेंगे इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी, तो ये आपका लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश में. ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी इज लोकेटेड एट योर HP. नाउ द वाटर स्टोन एंड प्लांट आर द 3 मेन फीचर आर, मतलब वाटर भी हो उसमें, स्टोन भी हो और प्लांट भी हो, ये जो 3 फीचर हैं ये किसके रहते हैं, वाटर स्टोन एंड आपके प्लांट, तो ये आपके जनरली मुगल गार्डन के फीचर्स रहते हैं, जापानीज गार्डन के फीचर रहेंगे. ठीक है, आप इसमें एक बार चेक कर लेना, जो वाटर है एंड आपका जो कह सकते हो आप स्टोन है एंड प्लांट है, दीज आर द फीचर ऑफ योर इंग्लिश गार्डन. ठीक है, लेट मी चेक इट आउट फॉर दिस. ओके, सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका जापानीज गार्डन. ठीक है, कौन सा ऑप्शन है इसमें करेक्ट, जापानीज गार्डन. ठीक है, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ई. ठीक है, जो वो आपके वाटर स्टोन एंड प्लांट हैं ये किसके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, दीज आर द फीचर्स ऑफ योर जापानीज गार्डन. नेक्स्ट हम देखते हैं येलो मॉसिक डिजीज ऑफ मूंग. ठीक है, मूंग के अंदर कौन सी डिजीज लगती है, येलो मॉसिक डिजीज जो लगती है वो किसकी वजह से लगती है, दैट इज व्हाइट फ्लाई, एंड व्हाइट फ्लाई का नाम क्या है, दैट इज विमीसिया टेपेकी. ठीक है, विमीसिया टेपेसी की वजह से जो आपका लगती है वो क्या, कौन सी है, दैट इज येलो मॉसिक डिजीज ऑफ मूंग. करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इम्पार्ट्स ग्रीन कलर टू द सॉइल, कौन सा मिनरल जो है सॉइल में ग्रीन कलर को इम्पार्ट करता है. ठीक है, तो वो है आपका दैट इज ग्लेकोनाइट. कौन सा है, ग्लेकोनाइट. ग्लेकोनाइट इज द मिनरल विच इम्पार्ट्स द ग्रीन कलर टू द सॉइल. करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट है लॉ एंड रॉकरी. ठीक है, लॉन एंड रॉकरी जो है ये किसका इंपॉर्टेंट फीचर है, सो ये आपका इंपॉर्टेंट फीचर है किसका, दैट इज इंग्लिश गार्डन का. ठीक है, लॉन का फीचर एंड आपके रॉकरी ये आपके इंग्लिश गार्डन में देखने को मिलते हैं. करेक्ट ऑप्शन है इसमें ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कह सकते हो न्यूट्रिएंट दैट इज
इज अफेक्टेड मोस्ट अंडर दी वाटर लॉगिंग कंडीशन, ठीक है, कौन से मिनरल का अपटेक जो है वो आपके या न्यूट्रिएंट का अपटेक अगर वाटर लॉगिंग कंडीशन रहेगी तो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, ठीक है, उसको प्लांट्स जो है अब्सॉर्ब करने में या प्लांट्स लेने में उसकी वजह से, वाटर लॉगिंग की वजह से प्लांट्स को दिक्कत होती है, तो वो कौन सा आपका सबसे इंपॉर्टेंट या न्यूट्रिएंट रहेगा, दैट इज़ दी नाइट्रोजन, कौन सा रहता है, नाइट्रोजन रहता है, करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सो ये थे आपके जितने भी आज के 30 क्वेश्चन थे एग्रीकल्चर के जो आपके एग्जाम के प्रस्पेक्टिव से यूजफुल थे उनके बारे में, ठीक है। सो इसी तरीके से आपको डेली जो है इस तरीके के क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आप न्यू है चैनल पे तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो एंड वीडियो को मैक्सिमम टू मैक्सिमम लाइक करो, शेयर करो, ओके। एंड क्या करना है, जितने भी हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं अगर आपने कनेक्ट नहीं किया है तो उनसे कनेक्ट हो जाओ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस इज योर एग्री विद स्पार्क।